हेलो गाइस, तो ये आपका अब तक का सबसे बेस्ट वन लाइनर रिवीजन वीडियो होने वाला है। सबसे पहले इसमें हम 30 करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जिसमें से 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपकी यस्टरडे क्लास के होंगे, यानी कि कल के होंगे, और बाकी के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो दिसंबर से अभी तक कहीं से भी लिए जा सकते हैं। इनके अलावा 10 स्टैटिक क्वेश्चन होंगे और 10 डेज वाले क्वेश्चन भी हम रिवीजन करेंगे, ताकि धीरे धीरे साथ में ये भी याद होते रहे। हाँ देखो, अगर कोई नए स्टूडेंट इसे देख रहा है ना पहली बार, तो आप ट्राई करें पहले इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की, वीडियो को रोक करके आप इनको सॉल्व करें और देखें आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो उसमें पहला प्रश्न हमारा क्या था, इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दो जने हैं, एक तो दीपा मलिक है, पैरा एथलीट हैं, और एक हैं बजरंग पुनिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको कल एक और एडिशनल प्रश्न बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए भाई खेल का सबसे सर्वोच्च सम्मान है स्पोर्ट्स में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, सबसे पहले ये किसको दिया गया था और कब दिया गया था, प्रश्न बन सकता है। तो ये दिया गया था 1991 में हमारे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को। फिर है सेकेंड नाइट नाम का जो उपन्यास है, नॉवल है, अभी लॉन्च किया गया है, इसे लिखा किसने है, राइटर पूछा है, राजीव डोगरा। फिर है किसे 2019 के प्रेम भाटे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा राजदीप सरदेसाई। इंडिया टुडे टीवी चैनल के जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, और इनके उत्कृष्ट राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए, यानी कि आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के लिए इनको ये पुरस्कार मिलेगा, मतलब मिला है। फिर है नकारात्मक ब्याज दर होम लोन शुरू करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा मिला है, इंग्लिश में बोलेंगे तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट देने वाला। नेगेटिव मतलब क्या हो गया, अभी तक आप लोन लेने जाते हो तो आपको क्या रेट मिलती है, जैसे कि 8% 9%, तो ये पॉजिटिव होती है, इसमें आपको बैंक को देना पड़ता है एक्स्ट्रा पैसा इंटरेस्ट के रूप में। लेकिन इस बैंक में क्या होगा, ये जो बैंक का आंसर क्या होगा, पहले देख लो, जेस्की बैंक डेनमार्क का बैंक है, तो इसमें बैंक आपको पैसा देगा 0.5% की ब्याज दर है, अगर आप होम लोन लेते हो इस बैंक से तो आपको बैंक पैसा देगा। इसका मतलब सीधा सा ये हो गया, जितना पैसा आप बैंक से उठाओगे ना उससे कम आपको जमा कराना पड़ेगा। फिर है किसे द्रोणाचार्य अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है, तो तीन कोचेज हैं, विमल कुमार बैडमिंटन से संबंधित हैं, संदीप गुप्ता टेबल टेनिस के हैं, मोहिंदर सिंह ढिल्लो एथलीट के कोच हैं, तो इनको मिलेगा इस साल का द्रोणाचार्य अवार्ड। अच्छा, इसके अलावा याद रखना तीन कोचेज और हैं जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा, मेजबान पटेल हॉकी से संबंधित हैं, रामवीर सिंह खोकर कबड्डी से संबंधित हैं, और संजय भारद्वाज ये क्रिकेट से संबंध रखते हैं। और इसके अलावा रविंद्र जडेजा के साथ साथ 19 खिलाड़ियों को, मतलब रविंद्र जडेजा सहित 19 खिलाड़ियों को इस साल अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। फिर है बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, यानी कि मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलान, अगले साल मार्च में कहाँ पे होगा, तो विशाखापत्तनम में होगा, भारतीय सेना इसकी मेजबानी करेगी, दो साल में एक बार होता है ये, पिछले साल भाई दो साल में होता है ना, तो अब 2020 में होगा, तो 2018 में कहाँ हुआ था, अंडमान निकोबार में। फिर है चैतन्य महाप्रभु पर आधारित दुनिया का पहला संग्रहालय म्यूजियम कहाँ पे खोला गया, पश्चिम बंगाल में। अच्छा, पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता, और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हुगली नदी के किनारे। अच्छा, हुगली नदी से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है अभी कि भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के अंदर से निकलेगी, तो हुगली नदी के नीचे से। फिर है किस राज्य में विलेज वॉलंटियर सिस्टम लॉन्च किया जाएगा, तो आंध्र प्रदेश में। तो इस अभियान के तहत होगा क्या, इस योजना के तहत ये होगा कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं ना आंध्र प्रदेश में, वो हर घर तक पहुंचे, ये सरकार चाहती है, और इसके लिए वो लाखों वॉलंटियर्स बनाएगी, मतलब 2.8 लाख के ऊपर तो वॉलंटियर्स इसमें आएंगे, मतलब वॉलंटियर्स को इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे स्वयंसेवक। तो एक वॉलंटियर के ऊपर एक गाँव में 50 घर होंगे, तो उसका काम यही रहेगा जो भी सरकारी योजना आती है घर घर जाकर के बताए, ताकि सबको उसका फायदा मिल सके, अच्छी योजना है। किस राज्य सरकार ने मो सरकार पहल की घोषणा की है, तो आंसर होगा, मो से ही समझ गया होंगे, जैसे कि मो बस वगैरह उड़ीसा में चली थी। अच्छा, इसमें होगा क्या, तो इसमें जो सरकारी व्यवस्थाओं के बारे में लोगों से फीडबैक लेना चाहती है सरकार। फिर है ANJ बैंकिंग समूह ने, मतलब ANJ मतलब ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप ने वित्त वर्ष
फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 6.2% और 2021 के लिए 6.5%। अच्छा, अभी तक जितने भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया ना 2019-20 में, उसमें सबसे कम है 6.2%। एक तो 6.2% इसने लगाया, ANJ बैंकिंग ग्रुप ने। उसके अलावा कुछ दिन पहले हमने देखा था NCAER, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, उसने भी 6.2 का ही अनुमान लगाया था। तो ये दो हो गए 6.2 वाले, याद रखना। RBI ने 6.9 लगाया था। फिर है नीलम शर्मा का निधन हो गया। ये क्या थी? तो ये एंकर थी दूरदर्शन में, और इनका नाम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी मार्च में इनको नारी सम्मान भी मिला था। फिर है किस नगर निगम द्वारा प्लास्टिक की थैली रखने, अगर आप प्लास्टिक की थैली वगैरह रखते हो, थैलियाँ वगैरह, और उसे सड़क पर फेंक देते हो, तो आप पे जुर्माना लगेगा? कौन से नगर निगम? लखनऊ नगर निगम। इसमें यह है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट या कोई ग्रुप है वो इस तरह की हरकत करता है, यानी कि नियमों को तोड़ता है, तो उस पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा, और 2 महीने तक के लिए है ये जुर्माना फिक्स किया है। और अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से ऐसा काम करता हुआ पाया गया तो उस पर मैक्सिमम 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। बढ़ते हैं आगे। तो पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम रिविज़न करेंगे। तो उसमें पहला प्रश्न हमारा क्या है, विश्व बैंक समूह की MD CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अंशुला कांत को, और याद रखना ये पहली महिला CFO होंगी वर्ल्ड बैंक में। फिर है विंबलडन ओपन जो हुआ था उसमें महिला एकल वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा सिमोना हालेप ने, ये रोमानिया से है। अच्छा, विंबलडन ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। फिर है किस बास्केटबॉल लीग में रोबोट एम्पायरों की शुरुआत हो चुकी है? तो US बेसबॉल लीग में। किसे तीनों प्रारूपों में, यानी कि तीनों फॉर्मेट में, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन नियुक्त किया गया है? आंसर होगा राशिद खान। किसने कल्चरल प्रोग्राम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया है? तो फिर आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने, मतलब इसमें हमारी जो बोलियां हैं ना उनको रिकॉर्ड करके रखा जाएगा। फिर है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2017-18 के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसे दिया गया? आंसर होगा चंडीगढ़ को। फिर है किस राज्य सरकार ने बंगला आवास योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये है पश्चिम बंगाल। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसने जारी किया? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में, UNDP। फिर है किस देश ने अपने संविधान में संशोधन किया था? तो आंसर होगा उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया ने। कौन सा बैंक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बढ़ते आगे। तो अगला प्रश्न है, RBI के 15वें वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की बैठक कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी मुंबई में। फिर है कौन अंटार्कटिक परिषद का पुनः पर्यवेक्षक बना? तो भारत बना। भारत किसके साथ फिल्म बनाएगा? तो बांग्लादेश के साथ। डेजर्ट स्टॉर्म 2019 ये कहाँ पे शुरू हुआ था? भाई रेगिस्तान की रेस है ये, तो बीकानेर में शुरू हुई थी, राजस्थान के बीकानेर में। और ATP पुरुष रैंकिंग में टॉप पे कौन आए? तो फिर से नोवाक जोकोविच, जिन्होंने अभी विंबलडन ओपन मेन सिंगल का टाइटल, विंबलडन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीता, और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इन्होंने ही जीता था। राफेल नडाल जीत गए थे फ्रेंच ओपन, जो दूसरे नंबर का ग्रैंड स्लैम था। ATP मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। फिर है 36th फेलिक्स स्टेम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था पोलैंड में, पोलैंड के वॉर्सो में, जिसमें भारत ने 2 गोल्ड जीते थे, टोटल 6 मेडल जीते थे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ये हमने मनाया 8 मई को। फिर है वीज़ा ने किसे भारत और साउथ एशिया का मार्केट हेड बनाया? तो सुजाता वी कुमार को। पनामा के नए राष्ट्रपति कौन है? तो आंसर होगा लॉरेंटिनो नीटो कॉर्टिजो। फिर है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के सदस्य कौन बने? तो जगजीत पवाड़िया। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चन में अब हम लोग बात करेंगे। तो स्टैटिक में हमारा पहला प्रश्न है, कैपिटल ऑफ मलेशिया क्या है? क्वालालंपुर है। अच्छा, करेंसी बोलेंगे तो रिंगित है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैड्रिड में, और मैड्रिड कहाँ है? स्पेन में। स्पेन की कंट्री है, कैपिटल है मैड्रिड। 20 रुपये का जो नया नोट आने वाला है ना, उसकी डायमेंशन आपको पूछी गई है, 63 × 129 mm। याद रखना उसका कलर होगा ग्रीनिश येलो, और उस पर जो चित्र होगा वो होगा एलोरा की गुफाएं, जो कि आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। फिर है जापान के नए राजा कौन बने थे? तो आंसर होगा नारुहितो। और इनके राजा बनने के बाद जो जापान का नया युग शुरू हुआ है ना, उसको बोला जाता है रीवा।
पेटीएम के नए MD CEO कौन बने? तो सतीश कुमार गुप्ता। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, और इसी से मैं आपको लिंक करके हमेशा याद दिलाता हूं कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना हुई थी। फिर है महाराष्ट्र का स्थापना वर्ष 1990, चाहे महाराष्ट्र बोल दूं चाहे गुजरात बोल दूं, 1960, 1 मई 1960 को इनकी स्थापना हुई थी। उड़ीसा का राज्य दिवस अभी मैंने बताया 1 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। फिर है आपका ICC के चेयरमैन शशांक मनोहर, और ICC के CEO कौन बने? अभी नए बने थे, मनु सानी। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ब्रुसेल बेल्जियम में है। बढ़ते आगे, तो इम्पोर्टेंट डेज की अपन बात करेंगे, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे हमने मनाया था 29 जुलाई को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इंटरनेशनल लायन डे तो 10 अगस्त को मनाया था। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया था, और इसकी थीम भी थी इन्वेस्ट इन एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस, यानी कि हेपेटाइटिस को ख़त्म करने में निवेश करिए। और इसका मेजबान देश, होस्ट कंट्री कौन था? पाकिस्तान। फिर है कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को अपन ने मनाया था। वर्ल्ड ब्रेन डे की बात करेंगे तो 22 जुलाई को मनाया, और उसकी थीम भी थी माइग्रेन द पेनफुल ट्रुथ। फिर है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉपरेटिव्स 6 जुलाई को मनाया, और इसकी भी थीम थी कॉप्स फॉर डिसेंट वर्क। वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को अपने मनाया था। फिर है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया? 7 अगस्त को। फिर क्या है वर्ल्ड ट्राइबल डे यानी कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को अभी अपन ने मनाया था। MSME डे बोलेंगे तो 27 जून को मनाया। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और इसके मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है, ये भी आप याद रखना। तो ये था हमारा आज का रिविज़न। अब आपको मिलेंगे होमवर्क के क्वेश्चन। जो नए स्टूडेंट पहली बार इसे देख रहे हैं उन्हें बता दूं अभी आपके सामने कुछ होमवर्क के क्वेश्चन आएंगे। वीडियो को पॉज करके आप उनको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करना। जहां पे भी आप अटकते हो या जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है ना, तो टेंशन नहीं लेना है, नीचे आपको आंसर मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में, तो वहां से आंसर देख करके आप हाथ उसे याद भी कर लेना, अभी याद कर लेना। कल हम फिर से इन होमवर्क वाले क्वेश्चन का रिविजन करेंगे, तो कल आप कोशिश करना यानी कि 24 घंटे बाद जो आपने आज याद कराया, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं, कल आप उनका आंसर देने की कोशिश करना। ये बहुत बढ़िया आपका रिवीजन होगा। देखो, याद सब करते हैं, रिवीजन जो सही टाइम पे तरीके से कर लेता है ना, उसको चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। तो ये आपका रिवीजन के लिए ही वीडियो है। अच्छा, देखिए, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करा करें। जो भी आपका व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप है वहाँ पर वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करा करें, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं।